हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोपाल जान सेंटेंस एंड लीडर से। आज के लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सो बबल की कंडीशन डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम थोड़ा सा सो बबल के बारे में जान लेते हैं। एक सो बबल जो होता है, इस सो बबल के अंदर एयर यहाँ पे फिल होती है। इनसाइड द सो बबल क्या होता है? एयर होती है। और इस एयर की वजह से क्या होता है, इस सो बबल पे अंदर वाली जो सरफेस है उस पे एयर प्रेशर यहाँ पे एक्ट होता है। और बाहर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, बाहर जो एटमॉस्फेयर होता है उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा होता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो सो बबल होता है उसमें इनसाइड जो एयर प्रेशर लग रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में, वो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होता है, ज्यादा होता है। सो बबल के अंदर क्या होता है, पी इनसाइड जो फोर्स लग रहा है अंदर वाली साइड में बाहर आउटवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू एयर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो पी एक्सिस हम उसको बोलते हैं, प्रेशर डिफरेंस जो होता है। यहाँ पे हमको ये चीज समझनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल जो सो बबल होता है उसके अंदर क्या होता है। अगर हम बात करें पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और पी इनसाइड एयर प्रेशर, तो पी इनसाइड जो एयर प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। तो हम इसको लिखते हैं पी एयर माइनस पी एटमॉस्फेरिक, ये इसको हम लिखते हैं पी एक्सिस, क्योंकि हमेशा पी एयर जो इनसाइड एयर प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। अब सो बबल अगर बनी हुई है तो उसके अंदर क्या होता है, इस पी एक्सिस जो प्रेशर होता है एयर का जो प्रेशर है वो ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इसको बैलेंस कौन करेगा? तो इसमें क्या होता है, जो सो बबल होती है उसकी जो सरफेस होती है, सो बबल की सरफेस पे क्या होता है, एक सरफेस टेंशन काम करता है। तो यहाँ पे जो प्रेशर काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, सरफेस टेंशन की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये बैलेंसिंग कंडीशन में होता है। पी एक्सिस को बैलेंस कौन करता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन जो प्रेशर होता है वो बैलेंस करता है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि इफ सरफेस टेंशन ऑफ सो बबल इज कैपिटल टी एंड रेडियस ऑफ सो बबल, सो बबल स्मॉल आर, अगर इसकी रेडियस को स्मॉल आर ले लेते हैं तो यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं सो बबल है, इसकी रेडियस है स्मॉल आर और सरफेस टेंशन इसका क्या है, टी है, ठीक है, कैपिटल टी। तो ड्यू टू सरफेस टेंशन जो यहाँ पे प्रेशर लगेगा वो किधर लगेगा, वो हमेशा यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना। सरफेस टेंशन की वजह से जो प्रेशर लगेगा वो कहाँ लगेगा, इनवर्ड डायरेक्शन में, इसी वजह से पी एक्सिस को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो ड्यू टू सरफेस टेंशन जो प्रेशर होगा उसको हम यहाँ पे नोट कर लें, तो पी एक्सिस जो होता है ई नाउ बैलेंस, पी एक्सिस को बैलेंस कौन करेगा, सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन की जो प्रेशर होता है वो होता है 40/R। ये हमको ध्यान रखना, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है सो बबल के लिए, पी एक्सिस जो है वो इक्वल होता है 40/R के, ठीक है। अब अगर हम इसको चार्ज करते हैं, पहले हमने बात की नॉर्मल सो बबल की, अब अगर हम इसको चार्ज करते हैं, चार्ज सो बबल की बात करें तो चार्ज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक प्रेशर यहाँ पे एक्ट होगा। और हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है वो किधर लगता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर की अगर हम बात करें तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक प्रेशर किधर काम करता है, बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। और यहाँ पे जब पी एक्सिस की बात करते हैं, पी एक्सिस भी क्या था, आउटवर्ड ही था। तो जब हम चार्ज कर रहे हैं तो यहाँ पे एक कौन सा प्रेशर काम करने लग जाएगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर ड्यू टू चार्जिंग, यहाँ पे जो प्रेशर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें पी एक्सिस प्लस ये हो जाएगा
प्रेशर इक्वल्स टू 40 अपॉन आर। ठीक है, अब हम बात करें यहां पे कि पी जो है इलेक्ट्रिक जो प्रेशर था वो क्या होता है। तो हमको पता है इलेक्ट्रिक प्रेशर का जो फॉर्मूला था पी इक्वल्स टू वो सिग्मा की टर्म में सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है तो इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां से हम इसको लिख लेते हैं कि जो पी एक्सिस प्लस इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 40 अपॉन आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40 अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम इसको आगे और इसको मॉडिफाई करें इसको सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को 40 अपॉन आर की साइड ले जाते हैं तो पी एक्सिस क्या हो जाएगा पी एक्सिस इक्वल्स टू हो जाएगा 40 अपॉन आर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अगर हम उसको चार्ज करते जाते हैं चार्जिंग इसकी उस चार्जिंग को रोकते नहीं है चार्जिंग कंटिन्यूसली होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक कंडीशन ऐसी आएगी कि पी एक्सिस जो है वो जीरो हो जाएगा या हम बोले सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है वो 40 अपॉन आर के इक्वल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इन चार्जिंग कंटिन्यूस चार्जिंग में क्या होगा यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन कंटिन्यूस चार्जिंग पी एक्सिस इक्वल्स टू जीरो पी एक्सिस क्या हो जाएगा जीरो के इक्वल हो जाएगा देन हम लिख सकते हैं 40 अपॉन आर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा ये वाली जो वैल्यू है ये किसकी इक्वल हो जाएगी जीरो के इक्वल। ये कब होता है जब कंटिन्यूस चार्जिंग करेंगे हम यहाँ पे और उस कंडीशन में पी एक्सिस जीरो होता है और इस कंडीशन को ही हम बोलते हैं बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ चार्ज सोप बबल या हम बोले इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन है इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ चार्ज सोप बबल। अब ध्यान क्या रखना है कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई ये क्या आ गई इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो अगर हम चार्जिंग कंटिन्यू रखते हैं यहाँ पे तो जैसे ही इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है उसके बाद में भी अगर हम इसको चार्ज करते हैं तो सोप बल जो है वो ब्रस्ट हो जाता है वो फट जाएगा। तो हमको ध्यान रखना है कि जैसे ही इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है उसके जस्ट बाद में क्या होता है सोप बल ब्रस्ट हो जाएगा अगर हम इसको कंटिन्यूस चार्ज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कंडीशन तक ये ब्रस्ट नहीं होता है। ठीक है, इसको हम और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं आप इसको पॉज करके नोट कर लो। अब यहां पर हम देख लेते हैं यहां पे इसको हम क्या लिख सकते हैं 40 अपॉन आर इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जाएगा। तो हम बोल सकते हैं दिस इज इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ चार्ज सोप बबल इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ चार्ज सोप बबल दिस इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, ये ध्यान रखना ये इस डेरिवेशन का इंपॉर्टेंट रिजल्ट है 40 अपॉन आर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये यहां पे सरफेस टेंशन है स्मॉल आर जो है वो सो बबल जो है चार्ज सो बबल इसकी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है एप्सिलॉन नॉट जो है वो एप्सिलॉन वैक्यूम के लिए क्या है परमिटिविटी है परमिटिविटी फॉर वैक्यूम या फ्री स्पेस। अब इसके अंदर आपको कुछ और भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं और उसमें क्या क्या पूछ सकते हैं यहाँ पे तो पहली बात करें सरफेस टेंशन पूछ सकते हैं ये जो कंडीशन है ये रिजल्ट जो है इसको हमको
याद रखना है। पहला क्या पूछ सकता है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन पी क्या होगा बताओ यहाँ पे, पहली बात करें अपन सरफेस टेंशन पी। सरफेस टेंशन क्या है इसमें, टी इक्वल्स टू क्या होगा, देखो स्मॉल आर को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, फोर का डिवाइड कर देते हैं, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन फोर इधर एट हो जाएगा, एट एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया सरफेस टेंशन। दूसरा क्या पूछ सकता है, इधर सिग्मा पूछ सकता है, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे पूछेगा, देखो यहाँ पे सिग्मा अगर फॉर्मूले की बात करें यहाँ पे तो टू एप्सिलॉन नॉट तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या जाएगा, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा फोर टू एट टी एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर। तो सिग्मा की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट कर देते हैं तो अंडर रूट एट टी एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर, ये हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। कोच करके आप नोट करो इसको। फिर आगे जो कंडीशन है, आगे जो रिजल्ट आएगा वो क्या सकता है, इसमें रेडियस पूछ सकता है, इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो इसकी रेडियस होगी वो पूछ सकता है। रेडियस क्या होगी, तो स्मॉल आर इक्वल्स टू यहाँ पे देख सकते हो आप, स्क्वायर चलन नोट इधर मल्टीप्लाई जाएगा, सिग्मा स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा और स्मॉल आर इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा एट टी एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या रेडियस ऑफ चार्ज ओवरऑल इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब जो है इसमें एक और पूछ सकता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो सोप बबल है, चार सोप बबल, इस पे चार्ज कितना है सरफेस पे, चार्ज तो चार्ज भी पूछ सकता है, तो यहाँ पे चार्ज भी फाइंड कर सकते हैं। चार्ज की बात करते हैं, चार्ज क्या होगा, तो चार्ज कैसे फाइंड करेंगे, तो सिग्मा के टर्म में चार्ज निकलेगा, तो चार्ज हमको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इक्वल्स टू होता है चार्ज अपॉन एरिया, ये होता है तो Q इक्वल्स टू क्या होगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, एरिया क्या एक सोप बबल जो है स्फेरिकल शेप में होती है, तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है फोर पाई आर स्क्वायर। यहाँ से अगर हम क्यू फाइंड करें तो क्यू क्या आएगा, सिग्मा इंटू फोर पाई आर स्क्वायर है, सिग्मा की जो वैल्यू है वो यहाँ से हमने अभी देखी थी, तो क्या आ रहा है हमारे पास एट टी एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर स्क्वायर रूट और इंटू में क्या फोर पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको अगर हम और सोल्व करें फोर पाई आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू इक्वल्स टू, अगर फाइनल रिजल्ट की बात करें अपन, फोर एट जे 32 एट 32 डी एप्सिलॉन नॉट पाई, देखो फोर एक काम करते हैं यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं क्या, यहाँ पे 8 को अगर हम 4 को अंदर लेके जाएंगे स्क्वायर रूट के अंदर, तो 4 या 16 हो जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर हम अगर किसी नंबर को या किसी भी क्वांटिटी को लेके जा रहे हैं तो उसका स्क्वायर रूट के अंदर जाता है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, बोले तो 8 इंटू 16 इंटू टी एप्सिलॉन नॉट पाई अंदर जाएगा तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर अंदर जाएगा तो आर की पावर 4 हो जाएगा अपॉन आर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है एक आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो इसको अपन यहाँ लिख लेते हैं क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट 16 इंटू 8 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 128 टी एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर आर क्यूब, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, एक आर कैंसिल हो जाएगा 128 एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर आर क्यूब। अब ये रिजल्ट हमको याद नहीं रखना है, हमको रिजल्ट ये वाला ध्यान रखना है 40 अपॉन r = σ² / 2 ε, इससे हम बाकी के सारे रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं, चार्ज भी निकालेंगे, बस ये ध्यान रखना
सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए होता है। तो यहां से जब चार्ज निकालेंगे तो चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया करेंगे। ये ध्यान रखना, ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं हम ये। तो ये जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। थैंक यू।